हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपके लिए फिर से एक और नई डिजाइन का ये डोरमेट लेकर आए हैं। इसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, टेबल मैट की जगह या डोरमेट की जगह या पूजा आसन की तरह या थाल पोस की जगह, किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, हमने इसमें तीन पत्तियाँ बना भी चुके हैं, पर मैं आपको ये शुरू से ही बताऊंगी। जिस तरह से मैंने यहाँ से शुरुआत की है, उसी तरह से मैं आपको ये बनाना बताऊंगी किस तरह से मैंने बनाया है। ये देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 30 फंदे ले लिए हैं। 30 फंदों से मैंने ये बनाया है। आपको जितना बड़ा चाहिए अपने हिसाब से फंदे इसमें डाल के आप इस तरह का टेबल मैट बना सकती हैं। ये देखिए, और इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकती हैं। अगर आप इसे डोरमेट की जगह यूज करना चाहती हैं तो आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकती हैं। ये बनाने में बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो मैं आपको ये शुरू से ही बताऊंगी किस तरह से मैंने बनाया है। चार पत्तियों वाला हमारा ये टेबल मैट है, चार पत्तियों का। आप अपनी पसंद का कलर इसमें लगा सकती हैं, जो भी आपको पसंद है। चार कलर से भी बना सकती हैं और दो कलर से भी इसको बना सकती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा टेबल मैट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम इसको शुरू से आपको बताते हैं किस तरह से मैंने बनाया है। जिस तरह से मैंने तीनों पत्तियों को बनाया है, उसी तरह से मैं आपको ये शुरू से ही बताऊँगी किस तरह से हमने इसको कम्प्लीट किया है तीनों पत्तियों को। तो चलिए यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। देखिए, बनाने के लिए आप कंफ्यूज ना हो, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 30 फंदे ये ले लिए हैं। 30 फंदे डाल के हम यहाँ पे ये देखिए, इसको हम पहली सिलाई से बनाना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, हम सबसे पहले अपना यहाँ पे दूसरा कलर लगा देते हैं उल्टी तरफ से। तो देखिए, शुरू से ही आप ये इसी तरह से शुरू से बना है, मैंने फंदे डाल के इसी तरह से एक सिलाई बनाई है। ये देखिए, तो उल्टी तरफ से हम इस कलर को लगा लेते हैं और सीधी पे हम अपना इसमें डिजाइन बनाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ चुके। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने जिस तरह से हमने ये एक सिलाई बना ली है, उसी तरह मैंने यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने उसी तरह से डाले हैं, इस तरह से जो सिंपल तरीके से फंदे डालते हैं। ये देखिए, यहाँ इसी तरह से मैंने फंदे डाल के कम्प्लीट किया है। उसके बाद हमने ये देखिए, फंदे डालने के बाद इसको इस तरह से बनाया है। ये देखिए, पहला फंदा हम, ये देखिए, सिलाई के ऊपर से मैंने धागा लपेट लिया है। एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है अपना, और इसको उल्टे उल्टे बनाते हुए जाना है। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाने का। तो यहाँ पे मैंने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया है धागे को सिलाई पे लपेटते हुए, और लास्ट में मैं एक फंदा बगैर बुना छोड़ दूंगी। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, एक फंदा अपना बिगर बुना छोड़ दिया है और यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया है। इसके बाद हम यहीं से टर्न करेंगे, सिलाई को पलट लेंगे और यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से फंदा को उतारते हुए पूरी सिलाई को उल्टा बना के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो फंदा मैंने यहाँ पे ये बढ़ाया हुआ है, वहाँ इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये 30 फंदों का भी काफी बड़ा बनेगा।
ये देखिए, तो उल्टी सिलाई को यहाँ पे हमने, ये देखिए जो बढ़ाया हुआ फंदा है लपेटा हुआ, उसको भी हम इस तरह से बना लेंगे। आगे हम सीधी सिलाई पे हम फिर से, ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से भी आपको फंदा बढ़ाना आता है उस तरह से आप बढ़ा लें। तो मैं यहाँ पे ये देखिए सिलाई के ऊपर से इस तरह से धागे को लपेट लेती हूँ और आगे का उल्टा उल्टा इस तरह से बना लेते हैं। फिर से हम लास्ट का एक फंदा छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं चार फंदे बढ़ाऊंगी और चार फंदे यहाँ पे एक एक करके छोड़ दूंगी इसी तरह से। तो यहाँ पे हम दूसरा फंदा छोड़ने जा रहे हैं। दो फंदे बढ़ चुके हैं, दो फंदे और इसी तरह से बनाने हैं। ये देखिए लास्ट का फिर से एक फंदा छोड़ देते हैं। ये देखिए दो फंदे छूट चुके हैं और दो फंदे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। इसी तरह से मैं दो फंदे और बढ़ा लेती हूँ, यानी कि यहाँ पे चार सिलाइयाँ बना लेती हूँ। दो सिलाइयाँ बन चुकी हैं और चार फंदे हमारे बढ़ जाएंगे और चार फंदे हम लास्ट के छोड़ देंगे। तो चलिए हम दो सिलाइयाँ, उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बनाएंगे। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, जो बड़े हुए फंदे हैं उनको भी हम सभी को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे दो सिलाइयाँ और बनाते हैं इसी तरह से, इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चार फंदे अपने बढ़ा लिए हैं और लास्ट में ये देखिए मैंने चार फंदे अपना बिगर बुना छोड़ दिए हैं। ये देखिए चार फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए हैं और चार फंदे लास्ट के एक एक करके मैंने बिगर बुने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे चार फंदे छूट चुके हैं एक एक करके। अब ये देखिए हम यहाँ से अपना चार फंदों को घटाएंगे, एक एक फंदा हमने घटाना है। ये देखिए, तो यहाँ पे चार फंदे बढ़ाए थे, ये देखिए इस तरह से एक फंदा मैंने कम कर दिया है। आगे का हम फिर से उल्टा बनाएंगे और लास्ट का हम फिर से छोड़ेंगे एक फंदा, यानी कि यहाँ पे चार फंदे छोड़ते हुए फंदे बढ़ाए हैं और चार फंदों को घटाते हुए फिर से हम चार फंदे छोड़ देंगे, यानी कि आठ फंदे हमारे लास्ट के छूट जाएंगे। तो देखिए किस तरह से, तो बहुत ही सिंपल है ये बनाना इसको। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने पांचवा फंदा अपना छोड़ दिया है। चार फंदे बढ़ाते हुए छोड़े थे, अब एक फंदा यहाँ पे घटा दिया है, तो पांचवा फंदा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब जिस तरह से बढ़ाए थे उसी तरह हम घटाएंगे, चार फंदे छोड़ते हुए उसको चारों फंदों को घटाएंगे। उल्टी सिलाई को बनाते हैं, उल्टी सिलाई को बना लिया है। अब ये देखिए हम दूसरा फंदा अपना घटा रहे हैं, ये देखिए दो का एक बना रहे हैं इस तरह से। आगे का हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और लास्ट का हम फिर से एक फंदा, छठा फंदा यानी कि छोड़ देंगे। चार फंदे बढ़ाते हुए छोड़े थे और चार फंदे अब घटाते हुए छोड़ देंगे और यहाँ पे आठ फंदे हम लास्ट के हमारे छूट जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए, अभी दो सिलाइयां बाकी बनानी है। तो चलिए उल्टी सिलाई को इस तरह से बनाते हैं, दो फंदे और छोड़ लेते हैं इसी तरह और दो फंदे यहाँ पे अपना घटा लेते हैं, इसके आगे फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चार फंदे बढ़ाए थे, तो चार फंदे मैंने घटा दिए हैं और यहाँ पे चार फंदे फिर से छोड़ दिए हैं, यानी कि हमने यहाँ पे अपना आठ फंदा छोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे चार फंदे बढ़ाए थे, चार फंदे मैंने घटा दिए हैं। फिर दोबारा हम यही पत्ती को दोबारा से रिपीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से मैं चार फंदे बढ़ाऊंगी और चार फंदे ही
फिर से लास्ट के छोड़ूंगी। तो लास्ट के 8 फंदे हमारे छूट चुके हैं, यानी कि 4 फंदों पे बढ़ाते हुए छोड़े थे एक एक करके। यहाँ पे टोटल ये देखिए, मैं सिलाई आपको गिन के बता देती हूँ एक बार। 1 2 3 4, 4 पे मैंने बढ़ाए हैं, फिर 4 पे मैंने 1 2 3 4, 4 पे मैंने घटा दिए हैं। तो यानी कि लास्ट के 8 फंदे हमारे छूट चुके हैं। फिर से हम दोबारा यही रिपीट कर रहे हैं, 4 फंदे हम बढ़ाते हुए छोड़ेंगे और 4 फंदे हम घटाते हुए। तो यहाँ पे हमारे 16 फंदे छूट जाएंगे। छोड़ना फंदा हमने एक एक ही करके है। तो देखिए, मैंने फिर से एक फंदा, 9वां फंदा अपना छोड़ दिया है, यहीं से टर्न कर लेंगे। दोबारा हम यही फिर से बना रहे हैं दूसरी पत्ती को। तो चलिए, मैं दूसरी पत्ती को सेम इसी तरीके से फिर से बना लेती हूँ, 8 फंदा और अपना छोड़ लेती हूँ इसी तरह से। ये देखिए, सेम इसी तरीके से हमने सभी पत्तियों को बनाया है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे दूसरा फंदा फिर से बढ़ा रहे हैं और लास्ट का हम 10वां फंदा छोड़ेंगे। फंदा एक एक करके इसी तरह से छोड़ना है। तो चलिए, मैं 2 सिलाइयाँ दूसरी पत्ती को भी इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, जिस तरह से मैंने ये यहाँ पे बनाई हुई हैं। ये देखिए, फिर ये वाली पत्ती मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा के बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये दोनों पत्तियाँ बनके कंप्लीट हैं। जिस तरह से ये बनाई है, उसी तरह से सेम ये बना ली है। 4 फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए हैं, फिर ऊपर की तरफ 4 फंदे छोड़ लिए। तो यहाँ पे हमारे 16 फंदे छूट चुके हैं। ये देखिए, मैं गिन के आपको एक बार काउंटिंग करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 फंदे यहाँ पे हमने एक एक करके छोड़ दिए हैं। इसके बाद हम ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फंदे हमारे पास बचे हैं। अब क्या करेंगे हम, इनको दो दो करके छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम दो दो फंदे छोड़ेंगे, 16 फंदे छोड़ने, ये 16 फंदे मैंने एक एक करके छोड़े थे, अब हम यहाँ पे दो दो फंदे अपने छोड़ेंगे। तो देखिए किस तरह से बढ़ाना हमने, उसी तरह से है। ये देखिए, एक फंदा हम बढ़ा लिए और लास्ट के अब हम यहाँ से इस पत्ती के लिए, ये देखिए, इस पत्ती के लिए मैं दो दो फंदे छोड़ूंगी यहाँ पे। ये देखिए, तो एक फंदा हमने बढ़ा लिया है, लास्ट के हम 2 फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए, लास्ट के 2 फंदे मैंने अब छोड़ दिए हैं। 16 फंदे मैंने एक एक करके छोड़े थे, अब दो दो फंदे छोड़ रही हूँ। तो 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, यहीं से टर्न कर लेंगे। अब एक फंदा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और 2 फंदे लास्ट के छोड़ेंगे। ये देखिए, दूसरा फंदा बढ़ा रहे हैं और लास्ट के 2 फंदे फिर से छोड़ेंगे। ये देखिए, फिर से मैंने 2 फंदे छोड़ दिए, यहीं से टर्न कर लूंगी। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से तीसरा फंदा भी बढ़ा लिया है
ये देखिए लास्ट का एक फंदा छोड़ देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे दो दो चार छः फंदे छोड़ चुके हैं, दो दो करके छः फंदे छोड़ लिए हैं। तो इसी तरह से हम और भी 10 फंदे कर लेते हैं अपने। इसके आगे आपको फिर दिखाएंगे, आगे की तरफ फंदा बढ़ाना है। अब ये देखिए हम चौथा फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे अपना इस तरह से, और लास्ट का फिर से दो फंदा छोड़ेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे दो चार छः आठ, दो दो करके आठ फंदे हम छोड़ चुके हैं और चार फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे हम पांचवा फंदा अपना बढ़ा रहे हैं और लास्ट के दो फंदे छोड़ेंगे। छठा फंदा हम बढ़ा रहे हैं और लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ेंगे, यानी कि हमने 12 फंदे अपना, ये देखिए बारह फंदे हम छोड़ चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ पे अपना सातवां फंदा बढ़ा रहे हैं। सातवां फंदा मैं बढ़ा लेती हूँ और लास्ट का तेरहवां चौदहवां फंदा हम छोड़ देते हैं। ये देखिए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे हमारे छूट चुके हैं, और जो हमारे 13-14 फंदे बचे थे वो हमने दो दो करके यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से दो दो करके छोड़ लिए हैं सभी। और यहाँ पे 16 फंदे मैंने एक एक करके छोड़ा था, बाकी के 14 फंदे दो दो करके छोड़े हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम ये वाली पत्ती आपको बता रहे हैं, ये वाली। अब ये देखिए मैं यहीं से टर्न करूँगी अपना। अब हम सात फंदे जिस तरह से दो दो छोड़े हैं उसी तरह लेते हुए जाएंगे और सात फंदों को हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने बढ़ाए हैं उसी तरह हम यहाँ पे, ये देखिए अपना सातवां फंदा घटा रहे हैं और आगे के जो हमने छोड़े हुए हैं वो दो दो फंदे हम लेते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने छः फंदे अपने बना लिए हैं जो बड़े हुए हैं, और यहाँ पे हम दो फंदे जो छोड़े हैं उन्हें हम बना लेते हैं। अब जिस तरह से छोड़े उसी तरह से हम लेते हुए जाएंगे और सात फंदों को हम घटा देंगे। जो मैंने दो दो फंदे लिए हैं उसी तरह से इनको घटाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना अब छठा फंदा घटा देते हैं, हमारे पास पांच फंदे रह जाएंगे। ये देखिए दो फंदे घट चुके हैं और लास्ट के जो दो दो करके छोड़े हैं वो हम ले लेंगे। और ये देखिए आपको जहाँ पे भी गैप दिखे आप गैप के लिए फंदा उठा लें और दूसरे फंदे के साथ उसको इस तरह से बना लें। ये देखिए जो छोड़े हुए फंदे हैं दो दो उन्हें हम बनाते हुए जा रहे हैं। तो मैं ये बना लेती हूँ पत्ती को, यहाँ तक अपना दो दो फंदों को ले लेती हूँ, इसके बाद मुझे ये पत्ती बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये पत्ती भी बना ली है। सात फंदे मैंने बढ़ाए थे और यहाँ पे मैंने 14 फंदे दो दो करके छोड़े थे, अब उसी तरह से सात फंदे घटाए हैं और हमने 14 फंदे अपने दो दो जो छोड़े थे सभी को मैंने बना लिया है। यहीं से टर्न कर लेती हूँ और इस उल्टी सिलाई को भी बना लेती हूँ। अब जो हमने दो दो करके छोड़े थे वो सब बना लिए हैं। अब जिस तरह से एक एक फंदा मैंने छोड़ा है बढ़ाते हुए और घटाते हुए उसी तरह, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी ये पत्ती भी बनके कंप्लीट है।
अब जिस तरह से मैंने चार फंदे यहाँ पे, अब ये 16 फंदों को छोड़ा था, तो चार फंदे हम बढ़ाते हुए लेंगे और चार फंदे हम घटाते हुए बना लेंगे। जिस तरह से एक एक फंदा छोड़ा था उसी तरह हम बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ा लिया है और लास्ट का हम एक फंदा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं चार फंदे बढ़ाऊंगी और चार फंदे लास्ट के बना लूँगी, फिर चार फंदे यहाँ पे घटा लूँगी और चार फंदे फिर से ले लूँगी। इस तरह से हम बना लेंगे इसको, तो बिल्कुल ईजी है बनाना इसको। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है, तो गैप के लिए हम यहाँ से फंदा अपना उठा लेते हैं और दूसरे फंदे के साथ बना लेते हैं। जिस तरह से एक एक फंदा छोड़ा था, ये हम एक एक फंदा ही। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये भी पत्तियाँ बना ली हैं। जिस तरह से मैंने 16 फंदे एक एक करके छोड़े थे, उसी तरह से मैंने यहाँ पे नीचे बढ़ाते हुए भी चार फंदे इसको बनाया है और चार फंदे घटाते हुए लेते हुए गए हैं हम, जो 16 फंदे मैंने छोड़े थे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये चारों पत्तियाँ बन के कम्प्लीट हैं इस तरह से। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी बड़ा बन गया है। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे सभी फंदों को अपना बंद कर दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे हम सभी फंदे बंद कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, बनाना हमने इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है। तो चलिए मैं सारे फंदे बंद करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टेबल मैट बन के कम्प्लीट है और इसी धागे से हम इसकी यहाँ पे ये देखिए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से आपने पुरानी चुन्नी और साड़ी से बना लेना है। यहाँ पे हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी सुंदर हमारा टेबल मैट लग रहा है। आप किसी भी तरह से इसको यूज करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा टेबल मैट आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर का पॉम पॉम्स लगा लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।